सुप्रभात, नमस्कार। आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। टॉप न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। अगले आधे घंटे टॉप न्यूज़ में हम आपको बताएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, साथ ही आर्थिक जगत और खेल जगत से जुड़े समाचार भी आपको बताएंगे। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। सरकार ने कानून के कथित उल्लंघन के लिए राजीव गांधी फाउंडेशन सहित 1811 एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस रद्द किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में दी जानकारी। 10 लाख करोड़ से अधिक के कर्ज बट्टे खाते में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में दी जानकारी। इसमें फंसे हुए कर्ज भी शामिल। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए 5 न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई सिफारिश। अमेरिका के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कोरोसी से की मुलाकात। आतंकवादी रोधी 2 बैठकों की करेंगे अध्यक्षता। और क्रोएशिया को 3-0 से हराकर अर्जेंटीना फीफा विश्व कप के फाइनल में। दूसरे सेमीफाइनल में फ्रांस मोरक्को की भिड़ंत आज। जीतने वाली टीम का फाइनल में अर्जेंटीना से होगा मुकाबला। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने कानून के कथित उल्लंघन के लिए 3 साल में 1811 एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2019 से 2021 के बीच विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 की धारा 14 के तहत प्रावधानों के उल्लंघन के कारण ये कार्रवाई की गई। कानून के अनुसार कोई भी एनजीओ जो विदेशी फंडिंग प्राप्त करना चाहता है उसे एफसीआरए के तहत खुद को पंजीकृत करना होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद भवन परिसर में तवांग मसले पर कांग्रेस के रुख की आलोचना करते हुए कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005-06 और 2006-07 के वित्तीय वर्ष में एक चीनी दूतावास से 1 करोड़ 35 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ था। राजीव गांधी फाउंडेशन को मिला यह अनुदान कानून और उसकी मर्यादाओं के अनुरूप नहीं था, इसलिए गृह मंत्रालय ने फाउंडेशन का एफसीआरए पंजीकरण रद्द कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब तक देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार है, तब तक कोई भी 1 इंच भी जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद के दोनों सदनों में मंगलवार को चीन से जुड़े मामले पर बयान दिया। उन्होंने बताया कि चीन के सैनिकों ने 9 दिसंबर को तवांग सेक्टर में यांगत्से क्षेत्र में यथास्थिति बदलने की एकतरफा प्रयास किया, जिसका भारत के जवानों ने दृढ़ता से जवाब दिया और चीन के सैनिकों को लौटने पर मजबूर कर दिया। रक्षा मंत्री ने बताया कि इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है और इस तरह की कार्रवाई के लिए मना किया गया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय सैन्य कमांडर्स के समय पर हस्तक्षेप करने के कारण चीनी सैनिक अपने स्थान पर वापस चले गए। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद क्षेत्र के स्थानीय कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चीनी समकक्ष के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शंस के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन को बताया कि पिछले 3 सालों में साइबर अपराध के प्रतिदिन 1500 घटनाएं सामने आई हैं। राज्य मंत्री ने 1 जनवरी 2020 से 7 दिसंबर 2022 तक यानी कि 1050 दिन का आंकड़ा पेश किया। राज्य मंत्री के मुताबिक इस अवधि में 16 लाख से अधिक साइबर अपराध से जुड़े मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 32,000 से अधिक मामलों में एफआईआर दर्ज की गई। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज 98% मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। राज्य मंत्री ने कहा कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल वित्तीय धोखाधड़ी की तत्काल रिपोर्टिंग और धोखाधड़ी करने वालों द्वारा धन की हेराफेरी को रोकने के लिए शुरू किया गया है। इसके जरिए अब तक 180 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय धोखाधड़ी के लेन देन को बचाया जा चुका है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाले उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए केंद्र को उच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की है। इनमें राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पंकज मिथल और पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल का नाम शामिल है। उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई सिफारिश के मुताबिक कॉलेजियम ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पीवी संजय कुमार के नाम की भी सिफारिश की है। इसके मुताबिक कॉलेजियम ने पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश मनोज मिश्रा को शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपने 2 दिवसीय दौरे पर अमेरिका पहुंचे हैं। विदेश मंत्री ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कोरोसी से मुलाकात की। दिसंबर के अंत में 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्वाचित सदस्य के रूप में भारत का 2 साल का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। उससे पहले एस जयशंकर आतंकवाद रोधी 2 बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए यहां पहुंचे हैं। भारत ने यूएनएससी की बारी-बारी से सौंपी जाने वाली मासिक अध्यक्षता 1 दिसंबर को संभाली थी। इस दौरान विदेश मंत्री संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने ट्वीट किया, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जारी अध्यक्षता के दौरान अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर की अगवानी कर खुश हूं। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री द्विपक्षीय और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के अलावा संयुक्त राष्ट्र में भारत की 1 दिवसीय बैठकों की अध्यक्षता भी करेंगे। एस जयशंकर आज पहली बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जो सुरक्षा परिषद पर एक मंत्री स्तरीय खुली चर्चा होगी। इसका विषय है न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म। बात अगली खबर की करते हैं। भारत और अमेरिका ने आतंकवादियों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यात्रा करने की क्षमता को बाधित करने की दिशा में उपायों पर चर्चा की है। दोनों ने सभी देशों से तत्काल ऐसे अपरिवर्तनीय कदम उठाने को कहा है जिससे यह सुनिश्चित हो कि उनके नियंत्रण वाले किसी भी क्षेत्र का उपयोग आतंकवादी हमलों के लिए नहीं हो। भारत अमेरिका आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की 19वीं बैठक और भारत अमेरिका डेजिग्नेशन डायलॉग के 5वें सत्र के बाद जारी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया। बयान के अनुसार दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादी संगठनों से उत्पन्न खतरों पर विचारों को भी आदान प्रदान किया और अल कायदा, आईएसआईएस, दाएश, लश्कर-ए तैयबा, जैश-ए मोहम्मद और अल बदर जैसे आतंकवादी संगठनों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। हाल ही के दिनों में यात्रियों की ओर से देश के सबसे बड़े विमान पत्तन इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लंबी कतारों और काफी लंबे प्रतीक्षा समय की शिकायत के बाद विभिन्न एयरलाइन कंपनीज ने यात्रियों को केवल एक हैंडबैग के साथ रखने को और साथ ही घरेलू उड़ानों के लिए निर्धारित समय से 3.5 घंटे पहले दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचने की सलाह दी है। संसद की एक समिति ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। पर्यटन, परिवहन एवं संस्कृति विभाग संबंधी संसद की स्थायी समिति दिल्ली हवाई अड्डे पर भीड़भाड़ को लेकर इसके संचालक DIAL के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ चर्चा करेगी। समिति के अध्यक्ष विजय साई रेड्डी ने यह जानकारी दी। समिति दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के CEO विजय कुमार जयपुरियार के साथ बैठक करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद में BAPS स्वामीनारायण संस्था के प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी समारोह के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे। प्रमुख स्वामी महाराज एक मार्गदर्शक और गुरु थे जिन्होंने भारत और दुनिया भर के अनगिनत लोगों को प्रेरित किया। इन दिनों प्रमुख स्वामी महाराज का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। साल भर चलने वाले विश्वव्यापी समारोह का समापन प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव में होगा। ये 1 महीने तक चलने वाला उत्सव होगा जो इस साल 15 दिसंबर से 15 जनवरी 2023 तक अहमदाबाद में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुदुचेरी में श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री अरबिंदो का जीवन एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतिबिंब है। भारत के इतिहास में ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने आजादी का भाव भी सशक्त किया है और आत्मा को भी पुनर्जीवन दिया। इनमें से 3 श्री अरबिंदो, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी ऐसे महापुरुष हैं जिनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं एक ही समय में घटी। और इस खबर के साथ ही अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों के साथ नजर डालेंगे व्यापार और खेल जगत से जुड़े समाचारों पर भी। बने रहिए हमारे साथ। Journey of India's 75 years of independence, protection of rights, ensuring equality, to empower, to deliver justice. Laws that have defined India and its people, laws that everyone should know. Watch 75 years, laws that shaped India. With me, Hemant Batra, only on Sansad TV. देखिए बार एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज और अंतर्राष्ट्रीय खबरों से पहले आइए एक नजर डालते हैं टॉप 10 हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। इस अवसर पर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार और राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही EV यात्रा पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना G20 समिट को लेकर आज एक उच्च स्तरीय बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके कैबिनेट के सहयोगी भी शामिल होंगे। पहली बार इस मसले पर कोई ऐसी बैठक हो रही है जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और सभी मंत्री हिस्सा लेंगे। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से मुलाकात करेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के एक दिन बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को पिछली भाजपा सरकार द्वारा दिए गए सभी सेवा विस्तार या पुनर्नियोजन को समाप्त करने का निर्देश दिया और इस साल 1 अप्रैल से पिछले मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए सभी निर्णयों की समीक्षा करने की घोषणा की। विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक पारित किया गया केरल की विधानसभा में। इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति पद पर राज्यपाल की जगह प्रख्यात शिक्षाविदों की नियुक्ति की जा सकेगी। आज से 18 दिसंबर तक कोलकाता में विजय दिवस आयोजित किया जाएगा। 1971 में बांग्लादेश के निर्माण को चिन्हित करने के लिए हर साल विजय दिवस मनाया जाता है। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन चेन्नई स्थित राजभवन में स्टालिन कैबिनेट के में मंत्री के रूप में शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल राज्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए उत्तर 24 परगना में सिनर्जी बिजनेस फैसिलिटेशन कॉन्क्लेव का आयोजन करेगा। आम आदमी पार्टी सरकार ने 1 जनवरी से अपने अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर 450 प्रकार की मेडिकल टेस्ट निःशुल्क उपलब्ध कराने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस कदम से उन लोगों को मदद मिलेगी जो निजी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का खर्च उठाने में असमर्थ हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने रामगढ़ की विधायक ममता देवी को अलग अलग धाराओं में 5-5 साल की 2 सजाएं सुनाई हैं। इसके साथ ही ममता देवी की विधायकी जाना तय हो गया है। कोर्ट ने भाजपा नेता राजीव जायसवाल को भी आर्म्स एक्ट में 5 साल की सजा सुनाई है। और आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। भारत और चीन के सैनिकों के बीच अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में झड़प पर अमेरिका ने प्रतिक्रिया दी है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि बाइडेन प्रशासन इस बात से खुश है कि भारत और चीन अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में झड़प के बाद जल्द ही पीछे हट गए। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव करीन जीन पेरे ने कहा कि अमेरिका स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है और दोनों पक्षों को विवादित सीमाओं पर चर्चा करने के लिए मौजूदा द्विपक्षीय चैनलों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने शरण मांगने के लिए आए आवेदनों के बैकलॉग को अगले साल के अंत तक समाप्त करने का वादा किया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने अवैध आप्रवासन पर रोक लगाने के लिए एक नई 5 चरण वाली रणनीति का खुलासा किया और यह वादा किया कि अगले साल के अंत तक सरकार शरण के लिए आए आवेदनों के बैकलॉग को समाप्त कर देगी। सुनक सरकार की नई योजनाओं में से शरण चाहने वाले 10,000 लोगों के लिए आवास बनाना एक है। So early next year, we will introduce new legislation to make unambiguously clear that if you enter the UK illegally, you should not be able to remain here. Instead, you will be detained and swiftly returned either to your home country or to a safe country where your asylum claim will be considered. कार्यवाहक सरकार में होने के बावजूद अध्यादेश जारी करने का फैसला कर नेपाल की शेर बहादुर देउबा सरकार ने देश में एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। खुद प्रधानमंत्री देउबा के नेतृत्व वाली नेपाली कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार के इस कदम की कड़ी आलोचना की है। देउबा सरकार ने आपराधिक संहिता में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया है। नए संशोधन के तहत सरकार को जघन्य अपराधों में सजा पाए मुजरिमों को भी माफी देने का अधिकार मिल जाएगा। नेपाली कांग्रेस नेताओं ने देउबा सरकार के इस रुख पर ऐतराज जताया। इस बीच नेपाल के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस अध्यादेश के मुद्दे पर देउबा सरकार से जवाब तलब किया है। वहीं अमेरिका यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल की खेप भेजने की मंजूरी देने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। रूसी हमलों का मुकाबला करने के लिए अधिक उन्नत हथियारों के यूक्रेनी नेताओं के एक अनुरोध पर अमेरिका ने यह सहमति जताई है। आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वलुदिमिर ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ युद्ध में मदद करने और अधिक उन्नत हथियार प्रदान करने के लिए हाल ही में पश्चिमी नेताओं पर दबाव डाला था। As we've discussed before, we do maintain a robust dialogue with our Ukrainian partners, with our allies, and our international partners on Ukraine's security assistance needs, to include battlefield capabilities that they may need, as well as air defense. And so, in light of Russia's cruel and continued heavy bombardment of innocent civilians and civilian infrastructure in Ukraine, we'll continue to have those discussions and look at capabilities that they'll need to defend their territory. वहीं कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी किंशासा में प्रकृति का कहर देखने को मिला। किंशासा में हुई भारी बारिश के बाद आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण कम से कम 100 लोगों की मौत हो गई है। इस बात की जानकारी पुलिस प्रमुख ने दी। मौके पर राहत बचाव दल पहुंच चुका है। और मौके पर फंसे लोगों को निकालने की कोशिश में जुटा हुआ है। अफगानिस्तान की राजधानी में एक होटल में हुए हमले की जिम्मेदारी आतंकी गुट इस्लामिक स्टेट यानी कि आईएस ने ली है। इस हमले में तीनों हमलावर मारे गए हैं और होटल में कम से कम 2 मेहमान घायल हो गए। घटनास्थल पर मौजूद चश्मदीदों के जरिए पोस्ट की गई तस्वीरों के मुताबिक काबुल स्थित लोंगन होटल में 10 मंजिला इमारत से धुएं का गुबार उठता दिख रहा था। काबुल में हुए इस हमले की अमेरिका ने कड़े शब्दों में निंदा की है। उधर फ्रांसीसी अदालत ने नीस में 2016 के आतंकवादी हमले में 8 संदिग्धों को जेल की सजा सुनाई है। आतंकवादी मोहम्मद लाहौज बोहलेल को पुलिस ने मौके पर ही गोली मार दी थी, जबकि उसकी मदद करने के लिए 2 लोगों को 18 साल की जेल की सजा दी गई है। बता दें कि 2016 में हुए हमले और उससे मची भगदड़ में 86 लोगों की मौत हो गई, जबकि 450 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं आर्थिक जगत की खबरों पर बिजनेस बस के जरिए। देश के तमाम बैंक्स ने पिछले 5 वित्त वर्षों के दौरान कुल मिलाकर 10,09,511 करोड़ रुपए में फंसे हुए कर्जों को बट्टे खाते में डाल दिया है। ये जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में दी। वित्त मंत्री ने बताया कि बैंक्स की तरफ से कर्ज के तौर पर दी गई ये रकम फंसी हुई थी, जिसे राइट ऑफ किए जाने के बाद अब उनकी बैलेंस शीट से हटा दिया गया है। इसमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि एनपीए करार दी गई वह रकम भी शामिल है, जिसके लिए 4 साल बाद बैंक्स की बैलेंस शीट में पूरी प्रोविजनिंग की गई थी। वित्त मंत्री ने बताया कि इस राशि को राइट ऑफ किए जाने के बाद बैंक्स की बैलेंस शीट में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का हिस्सा कम हो जाएगा और वो बेहतर नजर आने लगेंगी। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने सीसीआई के लिए एक मामले पर प्रथम दृष्टया राय बनाने के लिए वर्तमान समय सीमा को 30 दिनों से घटाकर 20 दिन करने का प्रस्ताव दिया है। प्रतिस्पर्धा कानून संशोधन विधेयक 2022 को बीते 5 अगस्त को संसद में पेश किया गया था। एक संसदीय पैनल ने प्रतिस्पर्धा कानून में संशोधन के लिए एक विधेयक में कई बदलावों की सिफारिश की है। लोकसभा में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में संसदीय स्थायी समिति ने यह भी कहा कि वर्तमान प्रथम दृष्टया आदेश पारित करने की स्थिति अपरिवर्तित रहनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा कानून संशोधन विधेयक 2022 को बीते 5 अगस्त को संसद में पेश किया गया था। और अब बात खेल जगत से आने वाली बड़ी खबरों की। अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। सऊदी अरब से अपना पहला मैच हारने वाली अर्जेंटीना ने उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। सेमीफाइनल में टीम की टक्कर पिछली बार की उपविजेता क्रोएशिया से हुई थी। अर्जेंटीना ने मुकाबले को 3-0 से अपने नाम कर फाइनल का टिकट कटा लिया। अर्जेंटीना ने 2014 के बाद अब पहली बार फाइनल में जगह बनाई है। खिताबी मुकाबला 18 दिसंबर को भारतीय समय के मुताबिक रात 8:30 बजे खेला जाएगा। इसी के साथ टॉप न्यूज में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं आज के दिन यानी कि 14 दिसंबर की तारीख से जुड़े इतिहास के साथ। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। संसद टीवी पर सुबह 11 बजे से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही को जरूर देखिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। 14 दिसंबर साल 1991 को पहली बार राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिया गया। साल 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया। आज ही के दिन इसे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण के अभियान को प्रभावशाली बनाने के लिए सरकार द्वारा लोगों के बीच में ऊर्जा संरक्षण प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाता है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय स्तर पर एक वैधानिक निकाय के रूप में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE की स्थापना की गई। 14 दिसंबर साल 1918 को BK अयंगर का जन्म कर्नाटक के बेलूर में हुआ। उनका पूरा नाम बेलूर कृष्णमाचार्य सुंदर राज अयंगर है। उन्होंने पूरी दुनिया को योग के जरिए सेहत का पाठ पढ़ाया। उनकी योग पद्धति अयंगर योग के नाम से प्रचलित हुई। आधुनिक योग के जनक कहे जाने वाले तिरुमलाई कृष्णमाचार्य उनके गुरु रहे। टाइम पत्रिका ने साल 2004 में दुनिया के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में उनका नाम शामिल किया। भारत सरकार ने उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में साल 2002 में पद्म भूषण और साल 2014 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 14 दिसंबर साल 1995 को पेरिस में डेटन संधि पर हस्ताक्षर हुए। यह संधि बोस्निया, सर्बिया और क्रोएशिया के नेताओं के बीच हुई। इस समझौते की रूपरेखा नवंबर 1995 को ही तैयार की गई। संधि ने लगभग 3 साल से जारी बाल्कन युद्ध को समाप्त किया। इस समझौते के तहत बोस्निया को एक राज्य बनाए रखा गया, लेकिन इसे 2 हिस्सों में बांट दिया गया। मुस्लिम और क्रोएशियाई आबादी वाला पहला हिस्सा देश के 91% भूभाग का प्रतिनिधित्व करता था, जबकि सर्ब गणराज्य के पास बाकी का 49% भूभाग का अधिकार क्षेत्र था।